One life, one dream, one passion, traveling. I have come so far because I dare to do what I'm crazy about. So here I am in the search of something new and exciting. सो फाइनली रेडी हो गए हैं और मैं और सबा रेडी हो गए. अभी हम लोग जाने वाले हैं लंच के लिए क्योंकि टाइम हो रहा है 4 बज रहे, लेकिन फ्रेश हुए थे, थोड़ा रेस्ट किए थे और अभी लंच के लिए जाएंगे और सराउंडिंग एरिया में जहाँ पे भी सनसेट रहेगा या कुछ भी रहेगा वो घूम लेंगे. और मेरा एक फ्रेंड आया है यहाँ पे वापी से, सिद्धार्थ शाह करके, तो उसे भी मैं मिल लूँगा. क्या सब बात हो, क्या खा रहे हो? हम कुछ नहीं खा रहे. अरे बोलो ना. ये राइस है, दाल है, आलू की सब्जी है और ये छोले है, बेसन है और प्याज का कचुंबर है. तो कौन सी डिश है ये? महाराष्ट्र, शायद महाराष्ट्र. सो महाराष्ट्रियन डिश खा रहे हैं यहाँ पे बैठ के. और बाकी दूसरा आइटम आना बाकी है तो पहले ये इंजॉय कर लेते हैं. और रेस्टोरेंट का नाम या अचार पुदीने की चटनी, 3 रोटी, राइस. और रेस्टोरेंट का नाम है क्रीम कॉर्नर गार्डन महाबलेश्वर, तो आप गूगल कर सकते हो. एंड खाना अच्छा है तो फिलहाल हम इंजॉय कर लेते हैं, फिर बाद में ये सब ले करके. हम आ गए हैं केट पॉइंट्स पे और केट पॉइंट्स पे है ना, आपको ये पूरा जो पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ से हम आए थे. यहाँ पे ऊट भी है एंड 6 बजे तक इसका टाइम ख़त्म हो जाता है, इसलिए सब रिटर्न जाने वाले. और अभी हो रहा है 5:30, इसलिए हमें हमारे पास 30 मिनट से ज़्यादा नहीं, हमें इसका टाइमिंग का पहले पता नहीं था इसलिए अभी आए. और यहाँ पर सनसेट होगा, यस. और वो पूरा पॉइंट है, आपको क्लीन नहीं दिख रहा होगा लेकिन काफ़ी अमेजिंग ऐसा पूरा पॉइंट है, आजू बाजू से पूरी खाई है. सो मैं थोड़ा नज़दीक जाके आपको बताता हूँ तो आपको अच्छे से आइडिया आएगा. ये मैं व्लॉग कर रहा हूँ Hero 9 और कोई माउंट नहीं है इसी के साथ, तो देखते थोड़ा एक्सप्लोर करते. वो देखो अरे पानी पीने का बेचारे को, पानी देने का. ये फिट पकड़ो, कैमरा जाएगा तो नुकसान होगा. कितना प्यासा था बेचारा, ठीक भी लग रहा अपना. चीकू के पास लेके चलते गए. तुझे पीने का है पानी? वो इग्नोर मार रहा. ठीक है चल पी ले, बॉटल रख देते पास. तुम नजदीक मत लेके जाओ, मैं इसका नुकसान नहीं कर सकता. तो पूरा ओए कहाँ फेंक रहा है? प्लीज वाटर ले ले. सो ये बेसिकली डैम है और ये डैम से पानी जाता है. ये लास्ट टाइम हमने वो बहुत दूर से देखे थे, ओमकार के गांव आए थे तब. ये है बेसिकली 3 इडियट्स, इसलिए
सो बेसिकली ये पॉइंट का चलो सो बेसिकली वहाँ से है ना एक पूरी नदी आती है पूरा एंड यहाँ पे डैम में जमा होता है और बारिश में ये पूरा वाटरफॉल होता है जो अभी पूरा खाली है, मतलब जो आपको इधर दिख रहा है वो पूरा वाटरफॉल है। तो यहाँ पे खुलेआम पानी की चोरी हो रही है इसको कुछ नहीं मिला, मुझे सिर्फ जमीन पर पानी मिला। देखा जमीन पर पी रहा हूँ। हाँ तो लेकर भाग गया, किधर गया? मैंने जीते के पास चले। निकल रहे हैं बिकॉज डोर क्लोज होने का, जो फाटक बंद होने का टाइम हो गया है 6 बजे का, हमें उतना टाइम बोला गया था इसलिए हम निकल रहे हैं। बाकी के सब लोग नहीं जा रहे हैं, तो मे भी उन्हें फाइन लगेगा या क्या लगेगा आई डोंट नो। और मैं अभी फटाफट निकलता हूँ या एंड ये पीछे बैठ के बुड्ढी का बाल खाएगी। जो आपने अभी टाइम लैप्स देखा है वो मैंने यहाँ पे अंदर जाके वहाँ पे खड़े रह के लिया था, इतना नीचे स्ट्रगल बहुत है। और ये जो है ये महाबलेश्वर का स्ट्रीट एरिया है आई थिंक सो। यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारा क्राउड आपको बहुत देखने मिलेगा एंड ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे है ना ये क्या वांड्री लेक या वीना लेक कुछ है वो है, तो ये लेक पूरा जाता है उधर। लेकिन अभी क्या है कोविड के टाइम पे है ना लेक का है ना बोटिंग वोटिंग हॉर्स राइडिंग सब कुछ बंद करके रखे, फिर भी पब्लिक बहुत है वहाँ पे। पब्लिक मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी ये सारी पब्लिक है। तो अभी हम वॉकिंग ही करेंगे और हमारी बाइक वहाँ पे, अपनी बाइक तो वहाँ पे है। हाय, तो हम हमारे रिजॉर्ट पे होटल पे वापस से आ गए हैं और वहाँ पे है ना क्या स्ट्रीट रोड पे फिर वहाँ से गाड़ी लेके रिटर्न आ गए क्योंकि सर्दी भी बढ़ रही थी। और अभी शाम में जो है क्या हम आए थे तब से आराम नहीं किए थे, तो अभी आराम करेंगे और कल अच्छे जगह पे है ना जाएंगे। सो यहाँ पे डॉगी है और यहाँ पे कुछ फैमिलीज है ये कर रहे हैं और ये हमारा रिजॉर्ट है। इसमें से वो जो वाला है वो हमारा रूम है। यहाँ पे हमने अपनी बाइक पार्क कर ली है।